तुम्हें देखा तो यूं देखा मुसव्विर हो गई आंखें। अबे मखमख माता का खबर हो गया तलार शदी से तलार शम पलवत मुता हां वो तुम तय बार ना जो बस पर चाखा से मले ना कोई दी खबर किस लिए आए थे मेरे पास हाँ क्या इरादे थे तुम दोनों के इरादा पूरा हो गया या अभी कुछ रहता है बोलो ना खामोश क्यों हो पाए किस इरादे से भेजा था अपनी बीवी को मेरे पास बरबीना आप बीवी है राजी चुप कर बता मैंने सब कुछ कुछ नहीं छिपा क्या छुपा रहा था मुझसे इधर देख मेरी तरफ इधर देख मेरी तरफ इधर देख इधर भी इधर देख सब मेरा कसूर है आप जो सजा देना चाहते हैं मुझे दे इधर देख इधर देख हाँ और क्या करिए बोल गलत समझ रहे हैं सर पकड़ा गया ना तू गलत समझ रहे हैं अच्छे से बोल तो पकड़ा गया ना तू बोल बाजी बारबीना को होश आ गया जल्दी आए खबरदार जो ये बात किसी और को पता चली तो नहीं सुनो क्या हुआ है बाजी हमने तो सुना था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसे क्या हुआ ये क्यों बेहोश हो गई भाई मर गया उसका पहले हमने झूठ बोला था इस बार सच्ची में मर गया मालूम हो गया है उस मालूम हो गया है उस मालूम हो गया है उस मालूम हो गया है ये ले पी मालूम हो गया उस मालूम पानी पी ये ले बता क्या हुआ है उस मालूम हो गया है क्या मालूम हो गया किसको क्या बोली जा रहा है कि नहीं किससे मालूम हो गया है क्या मैं बारान है मैं बारान बार बिना रिश्ता आज ही मालूम हो गया उस मालूम हो गया सब खराब हो गया बच्चे सब खराब हो गया अब वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से दो तीन दफा वॉशरूम से भी होकर आई है खुद अपने पांव पे और जो डॉक्टर ने नीम की गोलियां दी थी वो मैंने उसे दे दी दूध के साथ अब बिल्कुल परेशान ना हो बाजी जो मैंने सुना है वो सच है उसका भाई मर गया है बड़े वाला या छोटे वाला छोटे वाला बेचारी तभी तो उसकी हालत ऐसी हो रही है अल्लाह ताला माफ़रत करे उसकी बात सुन जी शायद ये भी वापस चली जाए सामान बांध दो उसको
बाराना ऐ तो बहुत कम खराब हो गया है यार। बाबे नू पता लग गया, बाबे ने कुछ गुस्से च करता थे ते करते हुए कर दे हुए मुझ कर दे हुए मेरा गला काटे काटे हाथ काटे पैर काटे टुकड़ा टुकड़ा करे चोकर नहीं करे आग लगा दे उसका तो यकीन करे। वो मासूम है बेकसूर है। तू बाबे नु की यकीन दिलाना चाहना है कि तू बारान नहीं, तू बारबीना वास्ते नहीं आया सी। तू बारान है, तू बारबीना वास्ते आया सी। ओ ए यकीन करे कि मैं वापस से आ गया, बारबीना मुझ नहीं बुलाया है। वो तो आंख उठा मुझ नहीं देखता है कि जल जाओ। ऐसा औरत इंसान सर रखता है, दिल में रखता है, उसे इज्जत देता है, शक नहीं करता है। बस इतना यकीन करे। चल कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। चल बारबीना, जाने की तैयारी कर। मैं नहीं जाएगा। गुरुराज मर गया है, मैंने इधर लोगों को यही बताया। क्यों बताया? क्या तुम बारबीना अपने शौहर के साथ जा रही? नहीं है वो मेरे शौहर। मैं कुरान पाक उठाती है। खबरदार जो तूने कलाम पाक की बेहरमती की तो फिर आपको कैसे यकीन दिलाए? तो मुझे यकीन दिलाने की पर मुझे ना जरूरत। हाँ तो बता अपनी जरूरत, बता के किस जरूरत के तहत तू मेरे साथ यहां तक आई थी, बता। मेरा क्या जरूरत है जी साहब? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुझे चाहिए क्या? किस लिए तूने इतना बड़ा खेल खेला? कौन सा खेल? एक बार भी ना, अगर तू जासूसी या दहशतगर्दी के लिए यहां आई ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन इसके अलावा अगर तेरी कोई जरूरत है तो बता, खुदा की कसम जो मेरे पास में मैं पूरी करूंगा। मेरा क्या जरूरत? क्या है ये? दो वक्त का रोटी, एक जोड़ा और जरूरत नहीं। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे शौहर की। या अल्लाह, नहीं ये ना, नहीं ये शौहर मेरी। ये तमाशा ना लगा, तमाशा ना लगा। इन लोगों के सामने मुझे और रुसवा ना कर, सारी जिंदगी मेरा मजाक बनता रहेगा। बेहतर ये है गुर्रेस की मौत का कहकर आराम से सामान उठा और निकल इस घर से। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं बारबीना, ये ड्रामे ना कर। बड़ी मुश्किल से मैंने कल की रात गुजारी है, इससे ज्यादा मैं नहीं रह सकता किसी नामहरम के साथ। अजी से बिजी नहीं है ना? अजी से आप मेरा शौहर हो, बल्ला आप मेरा शौहर हो। ये बारान बल्ला ये मेरी शौहर नहीं है, बिजी नहीं है ना, कुछ मेरे कुछ नहीं है। बारान बल्ला आप हो मेरी शौहर, आप हो अजी से। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं बारबीना, अजी से। अच्छा आप मुझे क्यों कहती है? उसका गरीबान क्यों नहीं पकड़ी है बारान की? उससे क्यों नहीं पूछा बगैरत क्या किया? मर गई थी। बता चुका है मुझे, वो सुना चुका है। बम धमाके में वो असल में नहीं मरा था, गिरफ्तारों के कुलचरकी जेल पहुंचा दिया गया।
तीन साल उसे कैद में रखा, फिर रिहा हुआ है तो आया तेरे पीछे इधर लेने तुझे है। और अलावा कोई और कहानी है तो बता फिर, मैनू वो भी बता दे। अजी सर मल्ला आप मेरी शोर हो, मैं नहीं जाता है, मैं नहीं जाती हूँ, नहीं जाएगी, नहीं जाती है। बारबीना ख्वारिश हुआ बारबीना अल्लाह ते नौकी हमें चिता मर्शे में वे दीदी ना को कहो चिता अब के बारान में चम कम चमा जरो जरो के दा खवा खवले वे चिचा मा कुंड के दो पमा नास कवले बारान मस मत तो मा सर सकले दा यार तो खो बस मा जरे जरे कवल दो नजरे जरे कोल ची सोकरा गंड वलम नशी सो खवा खवलम नशी यार सोकरा मा सरा हा बके स्ता कुंड मा जमा इज्जत हो बारबीना तेरी वापसी का खर्च ये मेरा हक है, डेढ़ महीना तनख्वाह, बाकी कल्ला नहीं है तू तो। बेगुनाह जिससे खुदा कसम उस दामन पाक कुरान 30 बार कसम अजी से उसने अपना सामान बांध दिया यहां से सीधा जाओ और उसे साथ लेकर निकल जाओ जिससे मेरा सरासर मैं लिख देता मेरा खून आप माफ उस माफ कर जिससे अगर शाम तक तुम दोनों वापस नहीं गए ना तो रिपोर्ट करा दूंगा। सारे कपड़े तो तुम वहीं इस्लामाबाद छोड़ आई थी, जो यहाँ थे वो तो मैंने डाल दिए। तीन चार जोड़े मैंने आयशा और इमशा की भी रख दिए हैं। अब ये पता नहीं
वहां पहनने के काबिल हैं या नहीं, ये देखो, ये ठीक रहेंगे? ठीक है अम्मी। ये कौन सा किसी शादी पे जा रही है? पता नहीं तबीयत कैसी है इसकी, सफर के काबिल भी है कि नहीं। मजदक लाला टैक्सी तलाश करें, यहाँ से सीधी तूरखम तक, आगे भी टैक्सी मिलती है ना, है ना? बारबीना मेरी जान, अगर मेरी कंडीशन ऐसी ना होती तो मैं तुम्हें खुद छोड़ने जाती जवाद के साथ। वापस जल्दी आओगी ना? चुप कर जाओ, उसे आराम करने दो, बल्कि थोड़ी देर सो जाओ तुम बारबीना, आगे इतना लंबा रास्ता। बारबीना हंसता करो बस। तुम मैनू छड़ के जा रहे हो, फिर कदों मिलेंगे? जब ये अल्लाह मंजूर। अभी जाए रखो। विचार सर, ख्याल रखे रोने में अच्छा बात नहीं है, रो है? क्या कह रही है अम्मा तुझे? जा शमीम जा, छोड़ दे मैनू, कल्ला छोड़ दे। अब तूने सारी जिंदगी कल्ला ही रहना है, कोई भी नहीं होगा तेरे पास, मैं भी नहीं। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। अब जो कुछ तू अपने साथ कर रहा है ना, इसके बाद तेरा अपना आप भी नहीं होगा तेरे साथ। पूछ ले अम्मा से, सोनू और से, वो भी यही कह रही है, मत कर ऐसा मुश्ताक, मेरे को गलियों में लोगों को पत्थर मारता मिलेगा। बारबीना की जो दही बर्दाश्त नहीं होनी तुझसे, पागल हो जाएगा तू। परवीना ने भेजा है तुझे हाथ जोड़ने के लिए? वो बहुत ऊंचे जर्फ वाली लड़की है, सहने वाली, बर्दाश्त करने वाली, जान निसार करने वाली, जैसे तेरी माँ थी। उसे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, लेकिन तुझे है, तुझे जरूरत है किसी ऐसे की जो तुझे अकल मत दे। क्यों कर रहा है अपने साथ ऐसा? क्यों मार रहा है उसे जीते जी? अपने लिए एक और कब्र क्यों खोद रहा है तू? ये तकरीर मैं बारान से सुन चुका हूं, मत दोहराए इसे। बारान तो नहीं, कब से तकरीरें कर रहा है, कब से बारबीना के दुख रो रहा है मेरे आगे। तुझे तो कल पता चला ना कि वो कौन है।
मुझे तो बहुत पहले पता चल गया था कि वो मजदक नहीं बरान है। ये बच्चे आपस बहुत मुबारक हो। सब आप मेरा बानी बच्ची। नहीं कोई बात नहीं, अब ईमानदारी से और मेहनत से काम करना है। देख मैंने झूठ बोला है चौधरी कयूम से, जमानत दी है तुम्हारी कि मैं तुझे जानती हूँ, हैं? मुश्ताक ने भेजा तुम्हें, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। आपको बस फिर वो आने लग गया मेरे पास, मैं बहाने बहाने से उसे बुलाती थी तेरी बातें करने के लिए, वो भी मुझे तेरी कहानियां सुनाता था, हर रोज एक नई कहानी गढ़ लेता था, कभी तेरी नर्म दिली की कहानी, कभी तेरी फयाजी की कहानी, कभी कभी तेरे करामात की कहानी। और फिर एक दिन वो पकड़ा गया। मैंने तो आपको कहा था, पर आपने तो हाजी मुश्ताक के नाम पर सूरों को भी जफी डाल लेनी। ये देखिए सारी डिटेल लेकर आए, ये देखें, उसका नाम मजदक नहीं है, बारान खान है, बारान खान। 6 महीने पहले उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है, ये देखें, यानी कि 6 महीने पहले वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आया। और यहाँ क्या लिखता है, शादीशुदा। और यहाँ क्या बता रहा है, कवारा, शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है, सारा झूठ। मैंने उसे आज ऐसी फेंटी लगानी है, आप देखिएगा। रहने दे तो अपनी फेंटी, पता है मुझे, सब पता है। अरे बड़ा, इसके बारे में जो तेरी एफिशिएंसी है ना, उसको अपने पास रख तू। सब कुछ मैंने सिखाया उसको, मैंने ही बोला था उसे, उस गरीब के बाल को काम मिलना था वैसे। आया बड़ा, ये देख, फिर हमारी दोस्ती और पक्की हो गई। पहले मैं तेरे रोने रोती थी उसकी गोद में, फिर वो बालवीना के दुख के आंसू पोंछने लग गया मेरे आंखों से। वो तो बस एक बार बार वीना को देखना चाहता था, उसे एक बार मिलना चाहता था। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तू लौट के आएगा, या इतनी जल्दी साल को पहुंच जाएगा। मुश्ताक, मैं उस वक्त की गवाह हूं जब बारबीना ने पहली बारी बरान को देखा था। बरान का तो मैंने सुकून वाली गोलियां खिला दी, वो ठीक रहा, लेकिन बारबीना, जब मालूम था बारबीना चलाएगी, चगरा के बेहोश हो जाएगी, उन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होना था। मैं उसके साथ साथ रही ताकि मैं उसे संभाल सकूं, और फिर वही हुआ। जब वो चकरा के गिरी तो मैंने उसे संभाल लिया। परवीना साहब की तो कमजोर निकली, पर किरदार की बड़ी मजबूत है, कम से कम मेरे लिए। मैं तुझे बता रही हूँ मुश्ताक, मैं बारबीना की जगह होती ना, तुझे छोड़ के बारान का हाथ पकड़ लेती, लेकिन वो उसे धुतकारती रही सिर्फ तेरे लिए। और तूने क्या किया, उस पर दहशत गर्दी जासूसी का इल्जाम लगा दिया, हया नहीं आई तुझे? वो भी तेरे साथ रहना चाहती है मुश्ताक, तेरे पैर धो के पीना चाहती है,
तेरे बुढ़ापे को घसीटना चाहती है। वो तुझसे बहुत मोहब्बत करती है, इससे भी ज्यादा मैं तुझसे करती। मैं भी उससे मिलकर आई हूं, वो नहीं जाना चाहती है उष्णा, वो तेरे पास रहना चाहती है। उसे ना जाने दे, वो खुद को मार लेगी, वो बर्बाद हो जाएगी। रोक ले उसको, ये भी समझने की कोशिश कर के तुझे ये कह कौन रहा है। मैं कह रही हूं, जो कल तक ये चाहती थी कि बर्बीना मर जाए, डेट दो आशा। यखनी पुलाव और मटर कीमा बनाया है मजदक, खाना निकाल दूं? नहीं भूख नहीं, नहीं। अम्मी चाय के साथ कुछ दे दें, जाने से पहले खा लेंगे। नहीं 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 बच्चे, नहीं। गाड़ी तो अच्छी वाली करवाइए ना, सफर जो इतना लंबा है। अभी निकलोगे तो कब तक पहुंचोगे मजदक? कब तक पहुंचोगे? सुबह इंशाल्लाह। बस कर दे, रात 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, पूरे के पूरे 8 घंटे एंड 30 मिनट्स। ये देखो गूगल मैप। इस्लामाबाद जाए, कुछ सामान शायद उठा ले। मजदक लाला, फिर तो वो बहुत देर लगाएंगी, आप जल्दी आ जाना ना, मेरे सारे काम रुक जाएंगे आप नहीं होंगे तो। क्यों, तो बारबीना कैसे वापस आएगी? वो मैं और जवाब जाएंगे अफगानिस्तान। नहीं, बॉर्डर तक। बॉर्डर तक कोई तो पहुंचाने वाला होगा ना। बच्चे उस बुला, उस टाइम ज्यादा हो रहा है बुला। थोड़ी देर तो ठहर जाओ, पाजी को तो आ जाने दो, कलसुमापा भी निकली हुई है, बस रास्ते में ही है। उड़ नहीं जाएगा, उस दुकान रश बहुत है। ऐसी कौन सी दुकानदारी, कैसे हो सकता है कि बारबीना जा रही हो और पाजी घर पे ना हो? और इस वक्त जो बारबीना की हालत है ना, पाजी ही उसकी सबसे बड़ी तसल्ली है। वो हाथ पकड़कर उसे बिठाएंगे तो ही उसे सुकून आएगा। तो नहीं जाएंगे, वो बोल दिया वो। ऐसे कैसे नहीं आएंगे? मैं फोन करके खुद बुलाती हूँ, लाओ दो फोन। मुझे जलील खाना जरूरी है। अच्छे बोला। मैं तुम्हारे लिए खाना पैक कर रही हूँ। मजदक लाला, लाला ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है, मुझे बता दें। वो नहीं जाएगी। कौन नहीं जाएगी? पर भी नहीं, वो सब, वो तो कोई नहीं है, सब तालुक खत्म खत्म सब। तो फिर वो क्यों जा रही है? तो अजीब पूछना। मजदूर ठीक कह रहा, बारबीना नहीं जाना चाहिए। क्या मतलब बाबा जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, प्लीज बताएं। आप पर भी ना, आप कभी नहीं जाएगी। कमरे में तो ना बारबीना है ना बारबीना का सामान है। क्या मतलब, कहाँ है वो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। क्यों, सब ठीक है ना? हेलो हेलो हाजी साहब,
सच सच बता बारान, किधर चली गई? तुम अभी भी शक कर रहे हो मुझ पर अजी? अभी भी? क्या करूं फिर? सुबह तक तो वापस जाना नहीं चाह रही थी, पैर पकड़नी थी मुझे, शाम होते उठ के चली गई। तुम भूल गया जी, तुम भूल गया वो किधर से आए थे। सब बर्दाश्त करता है, जुल्म ज्यादती धक्का सब बर्दाश्त करता है, बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करता। बेइज्जती की? क्या बेइज्जती की है? क्या बेइज्जती की है? पुलिस धमकी नहीं दिया, रिपोर्ट करनी क्या बार बिना? क्या बेइज्जती की है? वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे। मैं बोल दिया नहीं जाएगा, शाम तक अजी पर्चा कराएगा, नहीं मान लिया, हैरान हो गया। मैं बोला सच है, सच है। जब यकीन आ गया तो बोलते अभी इधर नहीं रहेगी, अभी तो बिल्कुल नहीं रहेगी। वो खुद मार देगा जी, वो खुद मार देगा। और किधर के उसको ही नहीं, वो खुद मार देगा। भाग गई है वो, बाची खुद मार। ना उसने तेरे साथ रहना, ना इसके साथ, किसी तीसरे के साथ भाग गई है वो। यही सोचता है ना तू उसके बारे में? तू रहा दुकानदार, सारी जिंदगी तूने दुकानदारी की है। रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत ताल्लुक तुझे क्या पता क्या होता है? तू तो तोलता रहा है, नापता रहा है, ठोक बजा के सौदे करने की आदत है तुझको। नुकसान का खौफ, नफे का लालच, ये प्यार का सौदा तेरे बस की बात नहीं है, आंख बंद करके किया जाता है। शक का नाप तोल नहीं चलता। वो शक, शक नहीं किया मैंने, मैंने तो यकीन किया उसका। उस मोहब्बत का यकीन जो बरबीना करती है बरहान से, मैं तो जोड़ना चाहता था इन दोनों को। वहीं से जोड़ना चाहता था जिस जिंदगी को वो यहां से छोड़ कर आई थी। वीडियो को देख के सब समझ गया था मैं, बात समझ आ गई थी। दो रास्ते थे मेरे पास, खुद गरज बन के खामोश रहूं, तो सारी जिंदगी बारबीना मेरी जिंदगी में रहती है, या फिर छोड़ दूं उसको उसके साथ, उस मोहब्बत उस जिंदगी के साथ जिसे मैं छोड़ के यहां आई हूं। मैंने तो दूसरा रास्ता सुना, दोनों को वापस भिजवाने का। वैसे कैसे चली जाती? मैं एक शौहर होकर कैसे उसका हाथ किसी दूसरे मर्द के हाथ में दे देता? और तू
कैसे पकड़ता उसका हाथ मेरे सामने, नजरें नीची करके, सब कुछ उलझा था। तो फिर मैंने सोचा धुपकारूंगा तो निकलेंगे यहां से। ऐसे ही निकलेंगे, माथे पे आंखें रख ली मैं। चाहता था दोनों यहां से जितनी जल्द हो निकल जाए ताकि मेरी मेरी तकलीफ कम हो। फंदा जब गले में पड़ जाएगा तो बंदा वैसे ही जल्दी करता है मरने की। यही किया है मैंने। तुम्हें देखा तो यूं देखा, मुसव्विर हो गई आंखें। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।